एसपीएन9 न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। महाराष्ट्र में शिवसेना के फैसले को लेकर तमाम चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। अभी तक देखा जा रहा था कि शिवसेना वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आना था वो उद्धव ठाकरे के हित में आना था, लेकिन यहाँ पर तो एकनाथ शिंदे के हित में आता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई थी और उस सुनवाई में यहाँ पर 5 जजों की बेंचों ने ये मामला रफा दफा कर कह सकते हैं कि चुनाव आयोग के पास भेज दिया है। और देखिए, चुनाव आयोग के हिसाब से तो साफ पता चलता है कि अब यहाँ शिवसेना एकनाथ शिंदे के हित में आएगी। ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक बार कपिल सिब्बल ने ये कहा था, जो कि एक वरिष्ठ वकील है, कि यहाँ शिवसेना जो है वो उद्धव ठाकरे के हित में ही आएगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे उसके असली हकदार हैं, बाला साहेब ठाकरे उसके असली हकदार थे इसी वजह से। लेकिन अब तो यहाँ कुछ और ही कहानी नजर आ रही है। इस कहानी को देखकर तो ये लगता है कि बीजेपी ने वाकई में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी खरीद लिया है, या फिर चुनाव आयोग को तो उन्होंने खरीद ही रखा है। चुनाव आयोग भी वही करेगा जो बीजेपी कहेगी। चुनाव आयोग अगर यहाँ पर एकनाथ शिंदे के हित पे फैसला सुनाते हैं तो इससे होना तय है कि यहाँ पर चुनाव आयोग ने बीजेपी की बात सुनकर ये फैसला लिया है। और ये बात एकदम सच है कि आज चुनाव आयोग भी अपने फैसले लेने में सक्षम नहीं है। वो सत्ता पार्टी के खिलाफ जाएगा तो शायद बहुत ही ज्यादा पछताएगा, और इसी कारण से आज देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के हित में यहाँ शिवसेना का फैसला आ सकता है आने वाले समय में। उद्धव ठाकरे यहाँ पर बिल्कुल खाली हो सकते हैं, और देखिए यहाँ पर अगर उद्धव ठाकरे बिल्कुल खाली होंगे तो शायद यहाँ बहुत कुछ देखने वाला मिलेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा एसपीएन9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।